राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर बी गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर हमारे सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जो है कैंसर पेन पर चर्चा की थी, क्योंकि उससे पहले हम दो तीन वीडियो जो थे वो कैंसर से संबंधित रोगों पर कर चुके थे। तो कैंसर पेन के बारे में भी जो है थोड़ा सा चर्चा करना आवश्यक था, इसलिए हमने पिछले वीडियो में जो है कैंसर पेन पर चर्चा की। क्योंकि कैंसर किसी भी टाइप का क्यों ना हो, बड़ा ही पीड़ादायी होता है, दुखदायी होता है, पेन देने वाला होता है। तो साथियों, आज हम एक डिजीज को और लेकर के आए हैं। उससे पहले साथियों, मैं कुछ आप लोगों से जो है चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ साथियों के कहने पर हमने एक प्रयास शुरू और किया है पेटेंट मेडिसिन की, जो है कुछ साथियों ने जो है रिक्वेस्ट की थी, तो हमने प्रयास करके जो है 20 प्रोडक्ट को हमने तैयार किया है और उसकी पीडीएफ फाइल जो है मैंने आप सबके पास में भेज दी है। और उसमें से हमारे बहुत से साथियों ने जो है वो अपने पास ले भी चुके हैं और अपने पेशेंटों पर उनका प्रयोग भी कर चुके हैं। बड़े अच्छे जो है उनके हमें परिणाम मिले हैं, उनसे बहुत अच्छे जो है उनके हमारे पास जो मैसेज आए हैं। और उसके बावजूद उन्होंने जो है और मेडिसिन लेने के लिए उन्होंने इच्छा जाहिर की है। तो क्या है कि साथियों, अभी हमारे पास जो है स्टाफ की थोड़ी सी कमी है और उतनी जो है उतना प्रोडक्शन अभी हमारे पास नहीं हो रहा है। हम शीघ्र ही जो है कुछ और स्टाफ की व्यवस्था करके जो है इस कार्य को जो है आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि साथियों देखिए, हमने कोई इसको जो है इधर उधर से तो जो इसको बनाना नहीं है, हमें तो जो एक्सपीरियंस हमें चीज़ का हुआ है हम उसी का ही पेटेंट बनाएंगे, वैसे नहीं बनाएंगे किसी का भी। और हमारा प्रयास ये है कि जो हमारे न्यू साथी हैं, न्यू बिगनर साथी हैं, जो अभी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, उनको एक बूस्टर डोज दी जाए ताकि उनका इलेक्ट्रोमोपैथी के प्रति जो है कुछ विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाए। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो वो डायल्यूशन से प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं भी स्वयं जो है इन पेटेंट के चक्कर में जो नहीं हूँ, इनकी फेवर में नहीं हूँ, लेकिन क्या करें कि जो हमारे नए साथी हैं वो अभी डायल्यूशनों से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी समस्या को फेस करते हुए हमने जो ये डायल्यूशन जो बनाया है। और ये भी सब आप साथियों का एक्सपीरियंस से ही जो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है, सबका देखा वाला जो है ये रिजल्ट लिए हुए हैं इन जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से, उन्हीं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को हमने जो है कन्वर्ट कर दिया है पेटेंट मेडिसिन में। तो अभी साथियों हमारे पास केवल 20 ही पेटेंट बने हैं और 20 का बहुत अच्छा रिजल्ट जो है हमें प्राप्त हुआ है साथियों, और काफ़ी अच्छे जो है उनकी मैसेज उनके मैसेज हमारे पास में आए हैं। और हमारे और साथियों ने भी जो है पेटेंट लेने की इच्छा जाहिर की है कि सर आप जो है हमें अब जो है कम से कम 20-20 पीस तो आप हमें दे दीजिए। तो अभी देखिए थोड़ा सा हमारे पास में स्टाफ नहीं है, स्टाफ की हम व्यवस्था कर रहे हैं और जैसे हो जाएगा तो फिर ज़्यादा मात्रा में हम ये मेडिसिन बनाएंगे। और जो है मैं चाहता हूँ कि जो हमारे साथी अगर ये हमारे पेटेंट प्रोडक्ट हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की कंडीशन नहीं है। और जो है कुछ ही जो है मुझसे बात कर सकते हैं, अगर वो उनकी इच्छा है तो उनको टर्म कंडीशन हम इसके बारे में बता देंगे उनको क्या करना होगा इसके लिए। तो इस माध्यम से जो है वो हमारे इलेक्ट्रोमोपैथी भाइयों की जो है उनको उनके स्थान पर मेडिसिन पहुँचा करके जो है उनकी भी हेल्प कर सकते हैं और अपनी भी जो है इनकम में कुछ बढ़ावा वो कर सकते हैं। तो साथियों आज का जो हमारा डिजीज है, हमारी डिजीज है जो वो है लीवर कैंसर।
साथियों, लीवर कैंसर जो है लीवर की सेल में जो है उसकी शुरुआत होती है, लीवर की सेल से शुरुआत होती है लीवर कैंसर की। साथियों, लीवर जो है हमारे पेट के दाईं तरफ पसलियों के नीचे, रिम के नीचे जो है वो स्थित है, एक फुटबॉल के आकार का है। तो इसके अंदर जब कोशिकाएं, नई कोशिकाएं पैदा नहीं होती हैं और पुरानी कोशिकाएं नष्ट नहीं होती हैं, तो वहाँ पर वो पुरानी कोशिकाएं धीरे धीरे जो है वो सूखने लगती हैं। जब उनको कहीं से जो है भोजन पानी की व्यवस्था उनको नहीं हो पाती, तो आसपास की कोशिकाओं से जो है वो भोजन लेने लगती है, और धीरे धीरे जो आसपास की कोशिकाएं हैं वो भी धीरे धीरे वीक होकर के नष्ट होने लगती है। इस प्रकार से ये कोशिकाएं धीरे धीरे करके जो है एक बहुत बड़ा आकार बना देती है ट्यूमर के रूप में। पहले ट्यूमर छोटा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सेल्स नष्ट होती जाती हैं, कोशिकाएं नष्ट होती जाती हैं, तो ये अपना आकार बढ़ाने लगती है। तो साथियों, इसी स्थिति को जो है हम लीवर कैंसर के नाम से जानते हैं। देखिए, इसका कोई स्पष्ट कारण तो अभी तक इसका पता नहीं चला है, फिर भी जो है कुछ मामलों में जैसे वायरल हेपेटाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, जिनको क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस हो जाता है, लंबे समय से जो है लीवर का जो वायरस का इन्फेक्शन उसके लीवर में रहता है, तो उसके कारण जो है ये कैंसर के रूप में भी है कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा है जो है क्या है कि जो आरबीसी जो है वहाँ पर, उस जगह पर जो है आरबीसी बिल्कुल नहीं पहुंच पाते हैं, WBC की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो है जो लोग शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर जो लीवर सिरोसिस, लीवर सिकुड़ जाता है, ऐसी स्थिति में भी जो है उसको कैंसर होने की संभावना होती है, या फिर लीवर फैटी हो जाता है, जैसे लीवर में फैट जमा हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, तो लंबे समय स्थिति बने रहने पर भी जो है वो लीवर कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। या फिर अनुवांशिक की जिसको हेरिडिटरी बोलते हैं, भाई किसी के परिवार में जो है पीढ़ियों में, पिछली पीढ़ियों में कैंसर होता आया है, तो आगे भी है जो ये वो एक सौगात के रूप में उसको मिलता है, एक अनुवांशिक की जो है उनको ये रोग हो सकता है। और साथियों, इसके अतिरिक्त जो लोग जिनको डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह का रोग जिनको हो जाता है, तो उन लोगों को भी जो है कैंसर होने की, लीवर कैंसर होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। या जो ज़्यादा मोटे थुलतले, और जो ज़्यादा लोग जो ये फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली वगैरह ज़्यादा मात्रा में जो है वो खाते हैं, ज़्यादा तीखे पदार्थ वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो इस प्रकार के भोजनों से भी जो है लंबे समय तक खान पान करने से लीवर कैंसर के रूप में जो है उनको ये प्रॉब्लम, समस्या आ सकती है। तो साथियों, लक्षण में क्या है कि इसके जो जब हो जाता है तो एक तो अचानक से जो है भूख प्यास खत्म हो जाती है, अचानक से वजन जो है उस व्यक्ति का गिरने लगता है, उसकी दाईं तरफ पसलियों के नीचे जो है भारीपन सा उसको महसूस होता है, और उसके अंदर पेन भी होता है। और जब साथियों पेन ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है, तो उस समय वहाँ पर जो है उसको चक्कर आने लगते हैं, जो है वोमिटिंग वगैरह उसको होने लगती है। इसके अतिरिक्त लीवर फंक्शन जो है वो भी डिसबैलेंस हो जाता है, खून में जो है ब्लूरिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ने के कारण जो है वो फिर त्वचा है या आँखें हैं या नाखून है वो पीले होने लगते हैं, डाइजेशन सिस्टम जो है वो भी डिसबैलेंस हो जाता है, उसमें जो मल है, स्टूल है, वो ब्लैक या वाइट कलर का जो है उसमें आने लगता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण अगर किसी रोगी में आते हैं तो हम उसको बड़े इजली तौर से उसको जो है पहचान सकते हैं कि इसको लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है हो चुकी है, और उसका जब हम रिक्वायर्ड जो टेस्ट उसके करते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि इसको लीवर का ट्यूमर हो चुका है। तो साथियों, ये तो था जो है इसके लक्षण और इसके सिम्टम्स और इसके काज। तो इलेक्ट्रोमोपैथी में इसका हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? देखिए, मोटर पैथी में तो केवल कीमोथेरेपी, कोबाल्ट थेरेपी, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह ये ही करते हैं,
तो इसमें साथियों क्या होता है कि जो कैंसर की सेल हैं उनको नष्ट करने के साथ साथ में ये जो आसपास की सेल को भी, जो सबस सेल होती है उनको भी ये थेरेपी नष्ट करती है। और धीरे धीरे साथियों उससे तो छुटकारा नहीं मिलता, लेकिन वो आदमी अगर उसको 2 साल अगर जीना होगा तो वो 1 साल में ही निपट लेगा। तो हम इलेक्ट्रोमोपैथी में जो है इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए साथियों सबसे पहले तो देखिए हमें अपने जो है रक्त और रस के ऊपर जो ध्यान देना होगा। उसके लिए हमें जो है बीपी और बीसी जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करती है, लीवर को भी जो इम्प्रूव करेगी, यहाँ पर जो है हमें इसमें देना आवश्यक हो जाता है। इसके साथ में जो है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है वो कैंसर के रोगियों के लिए बहुत ही रामबाण औषधि जो है सिद्ध हुई है। तो यहाँ पर हम जो हैं इसमें जो है बीपी बीसी और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करेंगे। और साथ में साथियों इसके अंदर H2 का भी हम यहाँ पर प्रयोग जो है कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि टॉक्सिन है बॉडी में, टॉक्सिन को बाहर भी निकालना है। तो यहाँ पर बीपी जो है वो 20 ड्रॉप है, बीसी 10 ड्रॉप है, और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी 20 ड्रॉप है, और जो H2 है वो भी 20 ड्रॉप है। इन सब की जो है D4 से लेकर के 30 ml में इसको डाल ले, और बाकी का उसके अंदर डिस्टिल वाटर भर के जो है 10-10 बूंद दिन में 4 बार रोगी को दें। इसके साथ में दूसरा साथियों जो है वहाँ पर हम दूसरे कंपोजिशन में C10, विनीरियोवन, वर्वन और GE जो है D4 से ही प्रत्येक मेडिसिन का जो है 5-5 बूंद लेकर के वो 30 ml में डाल लें, और उसकी जो है 10-10 बूंदें आप जैसे भी रोग की कंडीशन हो, अगर ज़्यादा सीवियर है तो वहाँ पर आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं, 1-1 घंटे पर रिपीट कर सकते हैं, आधा घंटे पर रिपीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है दिन में उसकी 1 घंटे पर जो है दे सकते हैं, 1-1 घंटे पर दिन में उसको दें। और यदि चेस्ट में हैवीनेस है, भारीपन है, दर्द है, तो वहाँ पर जो है हम A2, C5, F2, RE का जो है और GE का वहाँ पर कंप्रेक्स भी हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है यदि, और इसके साथ साथ में रोगी के खान पान पर जो है विशेष ध्यान रखना आवश्यक है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है तला भुना हुआ ना दे करके, और ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट वगैरह उसके ना दे करके उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड रखें, उसको जो है कच्चे मटेरियल के ऊपर जो उसको रखें जो खाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और इलेक्ट्रोपैथी के द्वारा उसका जो ट्रीटमेंट हम करते हैं तो बहुत अच्छे इसके अंदर हमें जो है वो परिणाम प्राप्त होते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर ज़रूर पसंद आएगा, और जिन साथियों ने अपनी बुकें जो है अभी नहीं मंगाई हैं वो अपनी बुकें ले ले, इसे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और साथियों अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।